और चलिए अब हिमाचल प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर लगातार शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। बता दें कि 37 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार 26 सीटों पर आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जोरदार बढ़त लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के इसी रुझानों में कांग्रेस 38 सीटों पर आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश के रुझानों में बीजेपी 26 सीट पर थम चुकी है। बता दें कि लगातार ये अपडेट आप तक एमके न्यूज पहुंचा रहा है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिली है, बहुमत के करीब पहुंच चुकी है कांग्रेस। और हिमाचल प्रदेश बता दें कि सरकार बनाने की जुगत भी कांग्रेस कर रही है, और थोड़ी देर में शिमला भी पहुंचने वाले हैं भूपेंद्र हुड्डा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शिमला पहुंचने वाले हैं। तो जो शुरुआती रुझान चल रहा है कांग्रेस का, उसमें बहुमत की ओर है कांग्रेस, सरकार बनाने की ओर अग्रसर है कांग्रेस। बता दें कि बीजेपी महज 26 सीटों पर सिमट कर रह गई है, और शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे नतीजे सामने आते रहेंगे वोटों का परसेंटेज क्या रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 39 सीटों पर पहुंच चुकी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 39 सीटों पर पहुंच चुकी है, 26 सीटों पर कांग्रेस थम चुकी है, बीजेपी थम चुकी है, माफ कीजिएगा, बीजेपी 26 सीटों पर थम चुकी है, और लगातार कांग्रेस 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और शुरुआती रुझान है जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है साफ तौर पर, और जब नतीजे घोषित होंगे उसके परिणाम क्या होंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें हम आपको बता दें कि कांग्रेस आगे चल रही है, लगातार बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। चूंकि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीट है और बहुमत के लिए 35 सीट चाहिए, तो जो 35 का जो मार्जिन है कांग्रेस ने पार कर लिया है, 2 सीटें आगे चल रही है कांग्रेस। बता दें कि बहुमत के आंकड़े से 2 सीट आगे चल रही है, और 26 सीटों पर बीजेपी थम चुकी है। दिलचस्प मुकाबला है हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते रहे कि हिमाचल प्रदेश में वो लगातार एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगी, कई सीटें जीतने का दावा उन्होंने किया, लेकिन उनका दावा अब यहां पर खोखला नजर आ रहा है। हालांकि गुजरात में उनकी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने लगातार 7 सीटें जीतने की ओर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी 0 पर चल रही है, खाता तक नहीं खोल पाई है। बता दें कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, 38 सीटों पर कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए हैं।